pickles. Oh, yeah. Man, ne tumhare bare mein bahut suna hai girl. Maza aayega, main yahan seekhne aaya hoon detective. Ye wo serious wala hai, roz sab samajh jaoge. Ye un wahid LAPD ke officers mein se ek hain jinhone war ke liye serve kiya aur silver medal. Main San Francisco mein paida hua hoon, wahi pe bada bada hoon. Apne college wahi shift bhi puri karni hai, main kaam karta hoon. Ab detectives aa chuke hain, wo dekhenge tum jaoge ki nahi. सर यहाँ एक गाड़ी है, कह रहा है कि खाली है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो नहीं। क्या हो गया है? लगता है विक्टिम्ड। ये तो कोई मिस लग रहा है, तो रात की इस वक्त यहाँ एक गाड़ी देखी। फिर तो ये गाड़ी क्या ऐसे ही रुल रही थी यहाँ? हम अगर इसको प्राइवेट में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज़ अंदर आइए। तो जो पाइप यहाँ से मिसिंग है, ये वही वाला है जो मिस्टर ब्लैक को कत्ल करने में इस्तेमाल हुआ। तो कौन है जो मिस्टर ब्लैक को उनके घर से कत्ल करना चाहते हैं? हेलो, मुझे आर एंड आई से बात कर रही हूँ। जी ठीक है सर, मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ। फेल्प्स बैच 1247। जी डिटेक्टिव्स, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे एक बार का पता करना है, एक एड्रेस चाहिए, कलवंस बार। आप मुझे जी ये बार यूनियन स्टेशन के करीब है। शुक्रिया आपकी मदद के लिए। तो मैम, आई होप आप रेडी हों, तो प्लीज़ अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। हमने आपके शोहर की गाड़ी के ट्रंक में एक रसीद देखी, लाइफ पिक एफ मॉर्गन के नाम से। आप जानती हैं कुछ इसके बारे में? ये मेरा शोहर तो एड्रियन तो टूल्स का बिजनेस करता है, ये फ्रैंक मॉर्गन होगा उसका दोस्त। पता नहीं अब वो क्या करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है से क्या मतलब मैम? वो हमेशा से एक पागल आदमी रहा है, मेरे शोर के साथ पहले काम करता था, अब बस वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है मेरे शोर के साथ कभी कभार। अच्छा, तो आप केविनस बार को जानती हैं क्या? हाँ, वो मेरे शोर का ऐसे दूसरा घर है, काम के बाद वो वहीं जाकर ड्रिंक करता है। अच्छा, तो मैम, तो एड्रियन क्या वहाँ बहुत टाइम गुजरता है? ज़्यादातर काम के बाद, अभी वो रिसेंटली। तो एड्रियन ने आपको कुछ नहीं बताया कि वो कल रात कहाँ जा रहा है? नहीं, उसने बोला था कि वो ड्रिंक करने जा रहा है फ्रैंक के साथ। अच्छा, तो कुछ मतलब अनयूजुअल नहीं था? नहीं, लेकिन बस वो काम से थोड़ी देर पहले आ गया था और घर से भी जल्दी चला गया। ऐसा वैसे वो कभी करता नहीं है, ना वो कभी काम से पहले आता है, ना वो कभी जाता है। अच्छा, तो क्या आपके शोहर ने अभी कुछ नई ग्लासेस ली हैं? हाँ, उसने अभी नई ग्लासेस ली हैं। तो आगे बोलिए। अभी हर वक्त वो, मैं उसको बोलती रहती हूँ कि वो पुरानी वाली फेंक दे, लेकिन वो नहीं फेंकता। तो जो आप लोगों के बेडरूम में तस्वीर पड़ी हुई है एड्रियन की, वो उसकी पिछली बिजनेस ट्रिप से है, स्याला गया था वो। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में कुछ बताने के लिए नहीं है। तो आप झूठ बोल रही हैं फिर, उसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है। आप कैसे कह सकती हैं ऐसे? आप उस पिक्चर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, उसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। अच्छा, तो जो उस पिक्चर के पीछे लिखा हुआ है मैसेज निकलो की तरफ से, क्या आप लोगों के आपका शोहर आपको छोड़ने वाला था? हाँ, शायद मैंने वो फ्रेम देखा है, लेकिन वो आदमी मुझे पागल कहता है और कहता है कि मैं एक वहमी औरत हूँ, और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो ठीक हो ऑफिसर। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ठीक हो।
आप हमारे साथ क्लियर बात करें, आप बताएं आप कल रात को कहाँ थी और क्या कह रही थी। मुझे अपनी मूवमेंट्स के बारे में बताएं लास्ट नाइट की। मैं यही थी, आप मुझे एक्यूज कर रहे हैं क्या? मैं जाहिर सी बात है घर पे थी, और मैं कहाँ हो सकती हूँ? उसका इंतजार कर रही थी यहाँ पर, और क्या करना था मैंने? हाँ, तो कोई इस बात का गवाह, कोई सबूत? मैं अकेली थी घर पे, मैं कैसे कोई सबूत दे सकती हूँ आपको? मैं उसके लिए खाना बना के उसका इंतजार कर रही थी। ठीक है मैम, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला दे देंगे। प्लीज ऑफिसर, मेरे मत शोर को ठीक ले आइएगा। ठीक है। डॉक्टर फाउंडेन दोबारा अखबारों में। आओ बैठो, यहाँ बैठो, आराम से कंफर्टेबल। तुम मुझे बताओ, कॉन्स्टी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है क्या? जी डॉक्टर। तो वो तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न्ड लगता है। हाँ, मैं अपने जहन से नहीं निकल पा रहा डॉक्टर, मैं हर वक्त ख्वाबों में उलझा रहता हूँ। तो हाथ दिखाओ अपना, मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो तुम्हारे नर्व्स को काम कर देगा। मैं तुम्हें एक जर्नी पे लेकर जाना चाहता हूँ, एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें याद दिलाए तुम्हारे वो मोमेंट्स जो तुम्हें हंसाते हैं, तुम्हें खुश रखते हैं, तुम्हारी ऐसी यादें जो तुम्हें हर वक्त खुश रखें। मुझे नहीं लगता इस औरत को कुछ भी पता है। ये तो खुद इतनी डरी हुई लग रही थी अपने शोहर का सुन के। हाँ, सिर्फ इसका पता होगा तो वो फ्रैंक मॉर्गन को, इसके अलावा और किसी को नहीं पता हो सकता। तो आओ इस बार को मैं तुम्हें जानता हूँ मेरे दोस्त, हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, याद है? चलो आओ, मुझे अभी ड्रिंक लेके दो। नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। चलो यार, फिर भी मुझे ड्रिंक तो ले दो। नहीं, LAPD, क्या आप फ्रैंक मॉर्गन को जानते हैं? ओ, मैं जानता हूँ, वो देखो वहां बैठा हुआ है। फ्रैंक मॉर्गन मेरे दोस्त, कैसे हो? LAPD, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कॉल फेप्स, मैं एजेंट ब्लैक के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, उसकी वो मिसिंग है। मैं से कोई दिनों से नहीं मिला, मैं नहीं जानता। फिक्र ना करो, जान जाओगे तुम। तुम मुझे बताओ कि तुम हमने फ्रैंक उसकी एजेंट की गाड़ी रेलवे ट्रैक से ढूंढी है खाली। मैं उसके लिए सॉरी हूँ, वो एक अच्छा बॉस था, मुझे पसंद था एजेंट। ए, मुझे मौका दो, मैं इससे उगलवाता हूँ। रुक जाओ, बताएगा तुम्हें सब पता है। तुम बकवास कर रहे हो डिटेक्टिव, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, सबूत भी देते हैं तुम्हें। तुम एक उसके गाड़ी में एक रिसीट है लाइव पिग्स की, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है इतफाक से मॉर्गन। तो चलो आओ, तुम्हें जेल में लेके जाता हूँ और तुम्हें कुटते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, वो बेवकूफ आदमी ऐसे दिखाना चाह रहा था कि उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो बचना चाह रहा था। तो बताओ इस वक्त वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता प्लीज, मुझे सिर्फ इतना ही पता था, वो बस अपने ऊपर अटैक दिखाना चाह रहा है। बताओ, वरना मैं तुम्हें जेल में ले जाकर तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ के अलग रख दूंगा तुम्हें। वो मेरे अपार्टमेंट में है, टॉप
टाउन ब्लोस टाउन में। हाँ ठीक है, तो अपार्टमेंट नंबर टेम्पल टाउन अपार्टमेंट 4। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं, आओ मैं तुम्हारे लिए अपने चीफ से बात करूँगा। मुझे इसीलिए पुलिस पसंद है, मुझे पुलिस से की मदद करना हमेशा से पसंद है। अरेस्ट नहीं कर रहे तुम्हें, तुम्हें छोड़ रहे हैं। यार मुझे ले देने दो ना, हम ड्यूटी पे हैं। चलो मॉर्गन के अपार्टमेंट चले। अरेस्ट कर लेना चाहिए था इस हरामी को। नहीं, इसका कोई कसूर नहीं, कसूर उस एड्रियन का है। अपनी बीवी को परेशान किया, पुलिस को भटकाया, पुलिस का टाइम ज़ाया किया, इन जुर्मों में वो जाएगा तो अंदर लंबा। इलेवन के बोलो क्या जी पी आर कमेंट। इलेवन के बोलो, एक जो खाली गाड़ी प्लेट के साथ मिली थी उसका कोई मैच मिल गया है। कौन? आप पुलिस स्टेशन आए हैं? नहीं, मैं नहीं आ सकता फिलहाल। चलो देखते हैं। एफ मॉर्गन 2 अपार्टमेंट 2। ठीक है, LAPD डिटेक्टिव्स, आप तुम यू आर अंडर अरेस्ट। देखो देखो मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मैं LSA निकलना चाह रहा हूँ, प्लीज मैं मुझे 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 जाने दो, अंदर आइए। चौथ मोटे, रुक रुक कांडू मोटे, रुक मोटे। एड्रियन मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो। या मैं मुझे जाने दो, मैं अलग से जा रहा हूँ वैसे ही। एड्रियन मुझे गोली चलाने पे तुम मजबूर कर रहे हो, रुक जाओ एड्रियन। ठीक है एड्रियन, तुम गए, तुमने ये ड्रामा क्यों किया? मैं अपने लिए ये काम इजी करना चाह रहा था। अब एड्रियन ब्लैक, यू आर अंडर अरेस्ट कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड और पुलिस LA पुलिस को भटकाने के जुर्म में। तुमने अपनी बीवी भी खो दी, अपनी जॉब भी खो दी और अपनी रेपुटेशन भी, तुम्हें ये करके कुछ नहीं मिला एड्रियन। वाह वाह वाह, क्या बात है। एड्रियन एक कत्ल के केस से कहाँ तक मचा दिया, क्या इडियट इंसान था चूतिया। तुम लोग, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया पब्लिक में, और तुमने भी लड़के, तुम लोगों को और केसेस भी मिलेंगे। आप